आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इस पावर सप्लाई के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके का है। ये एक मॉनिटर का पावर सप्लाई है, जो पीसी के अंदर हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं उसका पावर सप्लाई है। इसके अंदर दो सप्लाई जनरेट होती हैं यहाँ पर आउटपुट में, एक 16 वोल्ट जिससे ये इन्वर्टर बोर्ड चलता है, एक 5 वोल्ट जो हमें यहाँ पर मिल जाती है जिससे कि हमारा ये वाला बोर्ड चलता है। आप देख सकते हो ये वाला बोर्ड जो चलता है इसके लिए 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो अभी इसके अंदर डीएमओ हम लगा चुके हैं, ये लगा हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये डीएमओ हमने यहाँ पर लगा दिया है। 5 तार होते हैं इसके अंदर। सत्य कनेक्शन मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। फ्रंट साइड इस सप्लाई का कुछ इस तरीके का है, बैक साइड कुछ इस तरीके का है। मैं आपको शुरू से लेके एंड तक की चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैंने इस सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर किया, इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें निकाली और क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉस्फेट लगा होता है। आप लोग जानते ही हैं कि चॉपर ट्रांसफॉर्मर को ड्राइव करने के लिए हमें एक मॉस्फेट की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर कसा हुआ था। हमने डीसोल्ड करके ये वाला मॉस्फेट था इसको हमने बाहर निकाल लिया। अगर मैं कोशिश करूँ आपको थोड़ा पास से दिखाने की, तो आप इसका नंबर देख सकते हो अगर आप देख पा रहे हो तो। इसको हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद एक हमारे PWM IC है, अगर आप देख पा रहे हैं एक ये PWM IC है। हमने सिंपली इस सप्लाई में से यहाँ से मॉस्फेट को डिसोल्ड किया, यहाँ से IC को डिसोल्ड किया और बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद हमने जो चीज़ें चेक की, सबसे पहली चीज़ कि हमारे इस मेन कैपेसिटर पर क्या 320 वोल्ट बन रहे हैं। 320 कैसे, जो 220 वोल्टेज हमारे पास आता है वो 1.5 टाइम बढ़ जाता है AC से DC होने के बाद। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे DC पे हमें 320 वोल्ट के अराउंड मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया 320 आ रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सारे कनेक्शन ढूंढने होते हैं ऑप्टो कपलर के पास। मेरे पास एक दूसरा रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक ये DMO है, निकाल लेना। उसके बाद शुरू होता है हमारा DMO का काम। तो इसमें जो हमारे ग्रीन वाला होता है, इसके अंदर हम 220 वोल्ट देते हैं, 320 वोल्ट देते हैं DC का, जो कि हमारे मेन कैपेसिटर पे मिलता है। आपको यहाँ पर ये ग्रीन वायर लगा हुआ दिख रहा होगा इधर पॉजिटिव साइड में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ब्लैक वायर की। ब्लैक वायर ग्राउंड होता है और जो कि चौथे नंबर पे आता है। ग्रीन की तरफ से अगर हम चलते हैं, ब्लैक वायर ग्राउंड का होता है। ये ग्राउंड आप यहाँ पर लगा हुआ देख पा रहे होंगे, ये मेन कैपेसिटर के ग्राउंड पे लगा हुआ है। उसके बाद बचते हैं हमारे पास ये तीन तार, जिसमें येलो वायर ड्रेन का है। ये हमेशा येलो होता है और ये ड्रेन का ही होता है। ड्रेन का जो वायर होता है वो हमें हमेशा, जो हम मॉस्फेट लगाते हैं, मॉस्फेट का जो ड्रेन पिन होता है, जो हमारे ऑप्टो कप, जो हमारे फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर पे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो हमारा ड्रेन पिन होता है। और ड्रेन पिन को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, इसको येलो वायर को हमेशा हम चॉपर ट्रांसफॉर्मर के ड्रेन पिन पे कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा मॉस्फेट का भी ड्रेन पिन होता है। उसके बाद बचता है हमारे ये दो तार, इनका काम है। पहला जो ये वाइट कलर का वायर है, मैं आपको बता दूं और आप जानते भी होंगे, जो ये ऑप्टो कपलर हमारे पास लगा होता है इसके अंदर इनपुट साइड में, यानी कि जब ये फीडबैक लेता है उसका, हमारा AC सर्किट के इस तरफ जो हॉट एरिया होता है उसके इस तरफ दो पिने होती हैं और दो पिने ही कोल्ड एरिया की तरफ होती हैं। तो इस साइड जो दो पिने होती हैं उसमें एक पिन ग्राउंड होती है। जो पिन ग्राउंड नहीं होती है, जो हमारी PWM IC पर गई हुई होती है, उस वाली पिन पर हमें ये वाइट वाला वायर कनेक्ट करना होता है। ये फीडबैक के लिए होता है। एंड एक ही हमारा लास्ट वायर बचता है रेड कलर का। तो ये रेड कलर का जो है हमारे ऑक्सिलरी को ड्राइव करने के लिए होता है, ऑक्सिलरी को मैनेज करने के लिए होता है। तो ये जो रेड कलर का वायर है, हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर एक छोटा सा ये यहाँ पर डायोड लगा होता है। उस डायोड के बेसिस पे, यानी उस डायोड के पॉजिटिव साइड में, यानी एग्जैक्टली डायोड के नेगेटिव साइड में, क्योंकि ये रिवर्स बायस होता है, तो नेगेटिव साइड पे हम इसको लगा देते हैं रेड वाले वायर को। आप लगा हुआ देख भी पा रहे होंगे। तो इसको लगाने के बाद ये जो हमने DMO लगाया है, ये DMO खुद से ही यहाँ से इनपुट लेता है एंड फीडबैक के बेसिस पे इसको, जो हमारा फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर है, इसको मैनेज कर लेता है खुद से ही। और उसके बाद हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज हमें चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, वो फीडबैक के बेसिस पे हमें मिल जाता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये हमारा सिर्फ 2 से 2.5 एम्पियर तक के करंट को ही ड्राइव कर पाता है। इससे ऊपर का करंट अगर हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हम एक 5/24 की सप्लाई आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
उसके लिए हमारे पास इस तरीके का एक सप्लाई आता है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट 2 से 2.5 एम्पीयर से ऊपर अगर होता है करंट का, तो उसके लिए हमें फिर इसको लगाना होता है। ये हमारा 2 से 2.5 एम्पीयर तक में आराम से काम कर जाता है। और क्योंकि ये छोटा पीसी का मॉनिटर है, तो इसमें हमारा ये इजीली काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके लिए आपका डाउट या सजेशन कोई रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।